किया है, वो कब कब्जे में आता है देखने वाली बात। ठीक, शुक्रिया आपका संजय, इस जानकारी के लिए। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक बार फिर पुलिस कमिश्नर और पूरे महकमे पर जमकर भड़ास निकाली। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि एक रेप पीड़िता को पहले कोर्ट, फिर घर में घुसकर केस वापसी की धमकी दी गई। अगर एक हफ्ते में आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चला तो फिर वो एक्शन लेंगे। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, इस तरह का माहौल बन रहा है, ऐसा माहौल नहीं हुआ कभी। कोई घर में घुस जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस वाले जितने ज्यादा हो गए उतनी डकैती बढ़ेगी। नीचे तक एप्लीकेशन आएगी नहीं, वहीं रखने का डंपिंग ग्राउंड में डाल देता है, नरक मचा दिया पूरे गाजियाबाद में। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने, इस तरह का माहौल बन रहा है, ऐसा माहौल नहीं हुआ कभी। कोई घर में घुस जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस वाले जितने ज्यादा हो गए उतनी डकैती बढ़ेगी। अरे एक कप्तान होता था, कितना बढ़िया सिस्टम चलता था, हैं? अपराधी मारे जाते थे, टांग में गोली मार दी, मतलब कोई मतलब है, टांग में गोली मार दी, टांग में लगती है गोली, सर में नहीं लगती। सारे गुंडों ने नरक मचा दिया है। सर मेरे बेटे के साथ ये मुसलमान का एक लड़का है अखिल नाम का, इसने बदतमीजी करा बहुत गंदी तरह से, बहका के ऑटो में बैठे थे और तीन चार लड़के घुस के उसे कुछ सुनाया, बेहोश करके उसे होटल में ले गए, उसके साथ वीडियो बनाई, गंदे गंदे फोटो खींचा, उसे मारा पीटा और उसे पता ही नहीं है। जब होश आया तो देखा वो कपड़े बिना कपड़े के थे। कितने साल की लड़की? मेरे 17 साल की। पहले 30 सितंबर एफआईआर कराई सर, एफआईआर हमने थाने में दिए, उन्होंने कार्रवाई करे, उसे जेल में बंद कर दी। जेल में से छुटके आने के बाद धमकी देते हैं, गुंडे लाते हैं, चक्कू लाके हमारे जान से मार देंगे, मेरे कर तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे सर, यही बोलते हैं। लेकिन केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। शिकायत की सर, जो गुंडे लेके हमें थाने वाले हमारे सुनते ही नहीं है। सर कल 4-5 आदमी लेके घर में घुसे आए और कहते हैं चक्कू लेके, नहीं कह रहे केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। हमने अपने जान बचाई, गेट नहीं खोला हमने। सर हमने पहले शिकायत करा था, कोई हमारा सुनते नहीं, जब हम विधायक जी के पास गए। विधायक जी ने क्या सुन दिया? कह रहे हम हैं आपके साथ, हम कार्रवाई होंगे इसके। ये मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध, इतनी खराब घटना, ऐसा लगता है धरती फटने वाली है। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, पूरा ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के, झुग्गी झोंपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है, और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं, और गाजियाबाद में लोनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है, लेकिन ये जो घटना हुई है, ये इतनी, मैं समझता हूँ कि ऐसी लोनी के इतिहास में, क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं, तो जो सुनकर मैंने सुना, तो वो जेल चला गया, जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जा करके 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे, बड़े मुश्किल से वहाँ बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहाँ से हटे, और ये बेचारी आज घर पे, इसके घर को घेर लिया, और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह, वहाँ केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना, निचले वाले अधिकारी कोई उनकी बात का पता नहीं, या तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है, और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है, केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यह दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था पिछले 1.5-2 साल में, लोग अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचाए, ये कमिश्नरी सिस्टम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कौन सलाहकार है, कौन सिस्टम को चला रहा है, कौन बना रहा है, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। खुलेआम मुसलमान घरों में घुस जा रहे हैं गरीबों के, और हमें जाकर के खुद लड़ना पड़ रहा है। लखनऊ में मिलने वाले कबाब और बिरयानी का स्वाद अब बदलने वाला है। इसके पीछे का कारण लखनऊ नगर निगम का एक नया निर्देश।